नमस्ते साथियों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग एलजेब्रा के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को करने वाले हैं और शानदार तरीके से सारे सवालों को करेंगे। ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, रेलवे के अंदर हो गया, एसएससी के अंदर हो गया, तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा, सारे सवालों को हम अच्छे से आपको समझा देंगे। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है। ये सवाल देखने में तो बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल आसानी से आपका हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि भाई यदि P बटा ये वैल्यू इक्वल टू Q बटा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू R बटा ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन, मतलब कि ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो जब ऐसा दे आपको तो क्या करना है आपको देखेगा। आपसे फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि P प्लस Q प्लस R का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। अब आपको P प्लस Q प्लस R का वैल्यू कहाँ से मिलेगा। एक तो तरीका ये होता है कि भाई तीन चीज़ें बराबर हैं तो इक्वल टू में आप लोग क्या मान लेते हैं, तीनों के इक्वल टू में K मान लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को, मतलब इस पहले वाले एक्सप्रेशन को K के बराबर करेंगे तब P इक्वल टू आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ये नीचे वाला उधर जाके K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, K वगैरह नहीं मानना है। आप यहाँ पर क्या करिए ना, यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए कि जो पी का वैल्यू है, पी का वैल्यू ये इसके जस्ट नीचे वाला ले लीजिए। पी का वैल्यू ये नीचे वाला हो जाएगा, क्यू का वैल्यू ये नीचे वाला हो जाएगा और आर का भी वैल्यू इसके नीचे वाला हो जाएगा। मतलब जब ऐसे तीन चीज़ें बराबर हों तब ये तरीका आपको अपनाना है। तब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए, ठीक है। Q का वैल्यू ये नीचे वाला और R का वैल्यू ये इसके नीचे वाला हो जाएगा। अब आपको तीनों को ऐड करना है, तो P का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर गौर से समझिएगा दोस्तों, है ना, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर है B माइनस सी, यहाँ पर है B प्लस सी, मतलब एक है प्लस में एक है माइनस में, है ना। तो एक प्लस में एक माइनस में होता है तो क्या होता है भाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हम लोग करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसको ऐसे करिए, b माइनस सी को अलग कर लीजिए, यहाँ पर c प्लस ए को अलग कर लीजिए, b प्लस सी और c प्लस ए, और यहाँ पर a प्लस बी को अलग कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा ज़रा गौर कीजिएगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा। इस b माइनस सी का b प्लस सी के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद b माइनस सी का माइनस टू ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से आपको करना है तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, है ना। तो b माइनस सी का b प्लस सी से मल्टीप्लाई करिए तो ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से b माइनस सी का माइनस टू ए के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू ए का मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, बी माइनस सी के साथ। तो q का p का वैल्यू हमारे पास ये आ गया, ठीक है, सॉल्व करने पर। अब प्लस q करना है हमको, है ना, तो प्लस का यहाँ पर q। अब q का वैल्यू भी ऐसे निकालिए तो c माइनस ए का वैल्यू c प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस टू भी है तो माइनस टू बी का मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ यानी c माइनस ए के साथ, c माइनस ए के साथ, यहाँ तक हो गया। अब r का वैल्यू लिखिए तो प्लस का यहाँ पर हम r का वैल्यू भी कर देते हैं तो r का कितना हो जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू मतलब a माइनस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और माइनस टू सी का मल्टीप्लाई ये बाहर वाला a माइनस सी के साथ यहाँ पर हो जाएगा, a माइनस, अच्छा a माइनस बी ही है ना ये। तो ये हो गया तीनों को ऐड करने पर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, गौर फरमाइए। प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये जो बचे हैं इनको थोड़ा सा और आगे सिंपल करिए, माइनस टू ए का मल्टीप्लाई बी के साथ होगा तो माइनस टू ए बी आएगा और फिर माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू ए सी आ जाएगा, है ना, टू ए सी। यहाँ पर देखिए माइनस टू बी सी होगा यहाँ पर और माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस टू ए बी हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नीचे वाले में देखिए तो माइनस टू ए सी, है ना, माइनस टू ए सी ये वाला मल्टीप्लाई, फिर माइनस माइनस प्लस तो माइनस का प्लस का टू बी सी हो जाएगा, टू बी सी। अब यहाँ से और क्या बचा, यहाँ पर देखिए माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी ये कट गया, माइनस टू ए सी प्लस टू ए सी ये कट गया, प्लस टू बी सी
माइनस टू बी सी, ये कट गया, मतलब सब कुछ कट गया, बचा हमारा यहाँ पर क्या, जीरो बचा। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप यहाँ पर के भी मान के करते ना तब भी जीरो यहाँ पर वैल्यू इसका आता। समझ में बात आ गई? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना था। ये सवाल ज़बरदस्त था, आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इज़ द राइट आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही शानदार शानदार ट्रिकी सवाल लेकर आए हैं। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन ट्रिकी होने वाले हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। इस पैटर्न पर बहुत ज़्यादा सवाल आप लोग देखे होंगे, है ना, लेकिन करने का तरीका आपको नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जब भी a प्लस वन अपॉन ए का वैल्यू कुछ भी दे दे, ठीक है, और आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू, तो आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पर क्या किया है, a प्लस वन अपॉन ए का वैल्यू इतना दिया है और ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका जो वैल्यू दिया है ना, यानी a प्लस वन अपॉन ए का वैल्यू, पावर वन से हम पावर टू में जा रहे हैं, दोनों जगह प्लस है, तो इसका स्क्वायर करिए, डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, सेवन का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर प्लस का वैल्यू दिया है, ये क्या है प्लस है, अगर आपको यहाँ पर प्लस का वैल्यू दिया है और प्लस का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का टू। क्या करना है आपको, फिर से सुन लीजिए, हम आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। अगर आपको दोस्तों a प्लस वन अपान ए का वैल्यू कुछ भी दिया है, मान लीजिए कि p दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का वैल्यू, तो प्लस का ही वैल्यू दिया है, प्लस का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो p का स्क्वायर करिए और यहाँ पर माइनस का टू करना है, ठीक है, क्योंकि प्लस का वैल्यू दे के प्लस का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब यहीं पर अगर आपको समझिएगा इस चीज़ को, a माइनस वन अपॉन ए का वैल्यू कुछ भी दे दे, मान लीजिए कि x दे दिया है ना, और आपसे पूछा जाए कि भाई a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा जाए, माइनस का वैल्यू दे के प्लस का वैल्यू पूछा जाए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x का स्क्वायर ही तो करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो अब की बार यहाँ पर प्लस का टू कर देना है, बस इतना काम आपको करना है, आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो हम प्लस वाले का स्क्वायर कर देंगे, यानी सात का स्क्वायर, और माइनस दो करेंगे, क्योंकि प्लस का वैल्यू दिया है तो माइनस दो करेंगे, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, सात का स्क्वायर 49 माइनस दो यानी 47 इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना लेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल, ऐसे पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, है ना। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिएगा, ये सवाल भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है ना। आप डायरेक्टली ए और बी का वैल्यू अगर इसमें रख के कैलकुलेट करने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, समझिए इस बात को। यहाँ पर ये जो दिया है ना, ये वाला एक्सप्रेशन जो दिया है, ये एक सर्वसमिका पर आधारित है। सर्वसमिका क्या है, दो सर्वसमिका हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिए क्या है वो। पहला तो ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू होता है ए माइनस बी, है ना, माइनस दिया है तो माइनस करेंगे, और इनटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए बी, है ना, ये चीज़। और यहीं पर अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू देखना है तो क्या होगा, यहाँ पर चूँकि यहाँ पर प्लस लगा है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस लग चुका है तो अब की बार यहाँ माइनस लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का ए बी। समझ में बात आ गई कि नहीं। अच्छा, अब इसी सर्वसमिका पर ये आधारित है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले वैल्यू को एज इट इज रहने दीजिए, नीचे का वैल्यू रख दीजिए, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, है ना।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू रखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या है, ये पूरा का पूरा है ना। तो ऊपर से यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, इस पूरे के जगह पर हम लोग रख देंगे, देख लीजिए इस पूरे के जगह पर क्या रखेंगे, ये चीज़, यानी हम लोग रखेंगे a माइनस बी और इनटू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है, समझ में आ गया। और ऊपर भी यही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब है तो यही चीज़ ना। तो ऊपर से ये वाला वैल्यू यहाँ पर और ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ऊपर में बचेगा वन और नीचे में बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब तो सिंपल हो गया ना, अब सिंपल हो गया, ए का वैल्यू रखिए बी का वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन अठारह माइनस पाँच, है ना, ए का वैल्यू 18 और बी का वैल्यू है 5, यानी ये हो जाएगा 1/13, 1/13, 1/13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इन दोनों सर्वसमिकाओं को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तरीका क्या है याद करने का, अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो पहले हम लोग ए माइनस बी कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो हम इसमें प्लस कर देंगे, इसमें माइनस लग चुका है तो इसमें पूरे में प्लस रहेगा, लेकिन अगर इसमें प्लस लग चुका है तो एक जगह आपको ए बी के जगह पर माइनस करना पड़ेगा, है ना, सब जगह माइनस नहीं करना है, माइनस ए बी करना है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का याद हो जाएगा, ऐसे सवाल जब आप लगाएंगे तो आपका प्रैक्टिस होते चलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, ये सवाल हमारा थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, सीख लीजिए अच्छे से। क्या करना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 का गुणनखंड निकालना है दोस्तों, यहाँ पर फैक्टर करना है इसके, है ना। अब क्वाड्रेटिक अगर दिया है आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका गुणनखंड करना आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे जिससे इनको आप आसानी से 2 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। चलिए हमारे पास क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है, पहले एकदम स्टेप वाइज समझ लीजिए, आपके चुटकियों में ऐसे सवाल होंगे गुणनखंड करने वाले, है ना। क्या दिया है आपका एक्सप्रेशन जो दिया है दोस्तों, वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 56, है ना, प्लस का 56। अब अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिया है, माने एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है, तो आपको सिर्फ को इसको देखना है, यानी प्लस 56 को, याद रखिएगा हमेशा चिन्ह के साथ देखना है। अगर यहाँ पर कुछ दिया रहता, एक्स स्क्वायर के बगल में 2 दिया रहता, 3 दिया रहता, या फिर 1 के अलावा कुछ दिया रहता, अभी तो फिलहाल यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, फिर भी ऐसा समझ लीजिए कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, शुरू वाले और लास्ट वाले का, तो 1 का गुणा हम प्लस 56 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 56 ही आएगा, है ना। अब इस 56 को ऐसा तोड़िए दोस्तों, ऐसा तोड़िए कि यहाँ पर प्लस लगा है ना, तो जोड़ने पर, अगर प्लस नहीं लगा होता भाई, यहाँ पर अगर माइनस होता, यहाँ पर है ना, अगर माइनस होता तो हम कहते घटाने पर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्लस लगा है तो हम कहेंगे जोड़ने पर, तो 56 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए कि जोड़ने पर 15 आ जाए, 15 मतलब ये बीच वाला, हमेशा बीच वाला आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो हम कहते घटाने पर बीच वाला आ जाए, प्लस लगा है तो कहेंगे जोड़ने पर बीच वाला है। तो इस 56 को हम लोग क्या 7 और 8 में तोड़ सकते हैं, भाई 7 8 56 होता है, 7 और 8 में तोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा जोड़ने पर, है ना, प्लस है तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर इस 56 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणा के 8, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, जोड़ने पर भाई हमारा 15 आ रहा है, गुणा करने पर प्लस का 56 आ रहा है, हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक हो गया 7 और एक हो गया हमारे पास 8। थोड़ा सा इसको दूर लिख लेते हैं हम, चलिए, है ना, 7 और 8 हो गया, ठीक है। अब सुनिए, अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर यानी एक्स का कोफिशियंट में, एक्स का कोफिशियंट, एक्स का गुणांक में जो भी साइन रहेगा दोस्तों, उसको बड़े वाले के साथ लगा देना है, यहाँ पर बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन सा है, 7 और 8 में बड़ा 8 है, तो यहाँ पर जो भी साइन रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, उसी चिन्ह को उठाकर बड़े वाले के साथ लगा देना, हमेशा क्या करना है, बड़े वाले के साथ। अब जब बड़ा वाला के साथ लग गया, तो आप यहाँ पर क्या बोले थे शुरू में कि जोड़ने पर, जुड़ता कब है, जब दोनों का साइन एक जैसा होता है, है ना भाई, जुड़ेगा कब, जुड़ेगा तभी जब साइन एक जैसे होगा। तो इसका माइनस है तो इसका भी माइनस होना चाहिए, -7 और -8,
तभी ना माइनस 15 होगा भाई। एक को अगर प्लस कर देंगे तो माइनस 8 प्लस 7 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जोड़ने पर है अगर, तो साइन हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ पर दोनों का एक ही साइन होना चाहिए, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई। अब आपको गुणनखंड करना है ना, तो कुछ मत करिए, दोनों के साथ x चिपका दीजिए, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, बस आपका हो गया, ये हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर आपसे इसके मूल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, उसका मूल समीकरण में बस इतना सा फर्क है कि अगर समीकरण देता आपको तो बराबर में जीरो कर देता, चूँकि ये बहुपद है ना, गुणन द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर जीरो नहीं लगा है। अगर बराबर में जीरो है इसका मतलब वह समीकरण है, तो समीकरण का मूल निकलता है, गुणन बहुपद का मूल नहीं निकलता, बहुपद का सिर्फ और सिर्फ शून्यक निकलता है ना। तो शून्यक भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, उसका भी मतलब यही होता है कि बराबर जीरो कर दीजिए तो शून्यक निकल आता है। और बाकी यहाँ पर आपको अगर मूल निकालने के लिए बोले, रूट्स या फिर हल निकालने के लिए बोले किसी भी द्विघात समीकरण का, तो इसी तरीके से करना है। बस आपको आगे क्या करना है, इसमें आगे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आया था, हमारे पास एक आया था माइनस 7 और एक आया था माइनस 8। तो अगर इसके रूट्स पूछे या फिर सोलूशन पूछे, रूट्स, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इन दोनों का साइन बदल दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस 7 और माइनस 8 लिए थे, तो दोनों का साइन बदल के लिख देना है। तो माइनस 7 का ये हो जाएगा प्लस 7 और माइनस 8 का ये हो जाएगा प्लस 8। तो दो मूल इसके 7 और 8 आएंगे। अगर इसका शून्यक निकालने के लिए बोलता तो 7 और 8 आता, समझ में बात आ गई। या फिर आप इसको जीरो के इक्वल करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, एक बार x माइनस 7 इक्वल टू जीरो तो x बराबर 7, एक बार x माइनस 8 इक्वल टू जीरो तो x बराबर 8। तो यहाँ से भी x के दो वैल्यू 7 और 8 आ जाते हैं आपके, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि नहीं, एकदम समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक अलग टाइप का हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। दिए गए समीकरण, ये हमारा है लीनियर इक्वेशन, है ना, एक लाइन का समीकरण है ये, 5x प्लस 3y माइनस 19 इक्वल टू जीरो। तो इसका ढाल निकालना है आपको, ढाल को हिंदी में हम लोग प्रवणता भी बोलते हैं, है ना, प्रवणता भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप। तो इसका स्लोप आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होता है ये समझिएगा। तो लीनियर इक्वेशन हमारा होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। अब यहाँ पर जो m है, यहाँ पर जो m है वो क्या है, वो है हमारा स्लोप कहलाता है, माने प्रवणता या ढाल कह लीजिए। और जो c है वो क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो c है वो कांस्टेंट है, है ना, ये चीज़। अब समझिए, ये जो इक्वेशन दिया गया हमको 5x प्लस 3y माइनस 19 इक्वल टू जीरो, तो क्या हम इसको इस रूप में बदल सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c के रूप में, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो चलिए इसको बदल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 5x प्लस का 3y माइनस का 19 इक्वल टू जीरो, है ना। y वाले टर्म को इधर ही रहने दीजिए, तो यहाँ पर हो गया ये 3y इक्वल टू 5x उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस 19 उधर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। इधर तो अपने आप को y रखना है सिर्फ, तो 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 बटा 3x, और प्लस यहाँ भी 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 19 बटा के 3। क्या इस रूप में बन गया ये, इस वाले फॉर्म में, ये वाला बिल्कुल बन गया। अब x का जो भी कोफिशियंट है वही हमारा इसका स्लोप हो जाएगा। तो x के बगल में क्या है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 5 बटा 3 है, यानी m का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, अगर कंपेयर करें हम लोग तो माइनस का 5 बटा 3 होगा। यही आपका स्लोप है, यानी प्रवणता है, ठीक है, स्लोप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, समझ में बात आ गई। तो ये लीनियर इक्वेशन आप लोग को ध्यान रखना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप लोग 11 12th में पढ़े होंगे, है ना, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, एक सवाल हम लोग यहाँ पर सीरीज वाला देखते हैं, है ना, कैसे करेंगे। आसान है ये तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसान सा सवाल है। वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू में वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फोर, इसका वैल्यू आपको बताना है, मूल्य मतलब कि मान इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के एक एक ब्रैकेट के अंदर वालों को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हर एक ब्रैकेट के अंदर वाला यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वन का मल्टीप्लाई एक के साथ होगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन इंटू वन यानी x प्लस वन ही हुआ। x प्लस वन को हम लोग एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा। भाई x प्लस वन और प्लस वन करेंगे तो कितना होगा, x प्लस टू ही ना होगा, यानी ऊपर में हमारे पास क्या हो गया, x प्लस टू हो गया। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ऊपर में x प्लस टू और नीचे में तो हमारा x प्लस वन ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्लस वन है। ये हो गया पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करिए, x प्लस टू यहाँ पर वन है, मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू का वन से तो x प्लस टू ही होगा, टू प्लस थ्री, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया x प्लस थ्री और नीचे तो वही x प्लस टू ही रहेगा, यहाँ पर हो गया x प्लस टू। दूसरा ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो गया इसी तरीके से, x प्लस थ्री इंटू वन प्लस वन यानी x प्लस फोर हो गया और अपॉन में x प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तीसरा ब्रैकेट भी हमारा हो गया। चौथा ब्रैकेट देखिए, बेहद आसान सा सवाल है, ऊपर हो जाएगा x प्लस फाइव, है ना, और अपॉन में x प्लस फोर ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर से x प्लस टू नीचे से x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, x प्लस थ्री x प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर, बचा क्या, ऊपर में x प्लस फाइव बचा हमारे पास और डिनोमिनेटर में यहाँ पर x प्लस वन बचा। ये आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना, समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के सवालों को थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा क्योंकि गलती होने का चांस रहता है, कभी कभी आप इसको भी मार देते हैं x प्लस वन अपॉन x प्लस फाइव, तो गलती होने का चांस रहता है, तो ध्यान से करिएगा ऐसे सवालों को, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अब इस सवाल पर थोड़ा सा समझिएगा, देखने में तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं है, आसानी से ये बन जाएगा, है ना। देखिए क्या है, b बटा a का वैल्यू 0.25 दिया है, आपको पूछा जा रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू, है ना। देखिए समझिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप अगर लगाना भी चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई b इक्वल टू a को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू a, और फिर b का वैल्यू इसमें सब में रखेंगे a के टर्म में जो होगा, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है आपको, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाइए यहाँ पर कि भाई 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, भिन्न में बदलें, तो क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है एक बटा के चार, है ना भाई। यहाँ से क्या होगा, 25 बटा 100 होगा, 25 बटा 100 को हम 25 से काटेंगे तो 25 एक कम 25, नीचे 25 चौके 100 यानी एक बटा चार। अब यहाँ से आप रेशियो वाला फंडा थोड़ा सा लगा सकते हैं, देखिए ऊपर से b का वैल्यू ये हो जाएगा, नीचे से a का वैल्यू ये हो जाएगा, तो b का वैल्यू 1 a का वैल्यू 4 बस इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 4 रखिए, यहाँ पर 4 यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर 1, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 1 यानी ऊपर हुआ हमारा कितना 7, है ना, और नीचे में 4 दूना 8 प्लस 1 यानी नीचे हुआ हमारा 9, और प्लस में है दोस्तों 2 बटा 9, ये हो जाएगा 2 बटा के 9। नीचे तो दोनों सेम ही है तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा यानी 7 दो 9 9 बटा 9 9 बटा के 9। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब भी सवाल दें ना तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू मत पुट करिए, या फिर आप ये भी दिमाग मत लगाइए हम यहाँ से सभी में बी का डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से आंसर आ जाएगा, सीधे इसको बदल दीजिए, फ्रैक्शन में बदल दीजिए और रेशियो वाला तरीका आप लगा लीजिए, है ना। तो रेशियो से आपका ये सवाल बन जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अब ये जो सवाल है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है, क्योंकि ऐसे सवाल में आप थोड़ा सा घबराएंगे। घबराएंगे क्यों, क्योंकि भाई आपको बोल रखा है कि x प्लस x माइनस दो जो है
इस पूरे गुणन मतलब पूरे एक्सप्रेशन का ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका गुणक है या फिर गुणनखंड कह लीजिए, तो आपको जी का वैल्यू बताना है यहाँ पर। ऐसे सवालों में घबराइएगा नहीं, समझ लीजिए कैसे करना होता है। यहाँ पर अगर ऐसा बोले कि ये जो एक्सप्रेशन है किसी का गुणनखंड है, तो पहले यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर कह लीजिए कि एक्स माइनस टू का शून्यक निकाल लीजिए, जीरोज निकाल लीजिए। तो एक्स माइनस टू का जब हम शून्यक निकालेंगे, यानी एक्स माइनस टू को हम लोग जीरो के बराबर करेंगे, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा दोस्तों दो, है ना, एक्स का वैल्यू दो आएगा। अब कह रहा है कि ये जो एक्स माइनस दो है इसका गुणनखंड है, गुणनखंड या गुणक कह लीजिए, तो जब भी गुणनखंड होगा इसका मतलब एक्स माइनस टू से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर जो आपका क्या कह रहे हैं शेषफल है वो जीरो आएगा। ठीक है भाई, गुणनखंड है इसका मतलब क्या है, जैसे आप आपको एक जनरल संख्याओं का उदाहरण लेके समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 48 है, ठीक है, अब 48 का एक जो मल्टीपल है या गुणनखंड कह लीजिए, तो एक जो गुणनखंड है वो मान लीजिए कि 12 है ना। कहने का मतलब ये है कि 48 में ये 12 आता है भाई, 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 चौक 48 लिख सकते हैं ना, 4 × 12, तो 48 में 12 है ना, तो 12 जो है वो 48 के एक गुणनखंड है। तो एक बात बताइए, 48 को जब इसके गुणनखंड से हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना है, जीरो आएगा, क्योंकि भाई 48 को जब हम लोग 12 से इसके गुणनखंड से किसी भी गुणनखंड से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 12 चौक 48, शेष बचा जीरो, तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। यानी इसको जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 3gx माइनस 2g को एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर शेषफल जीरो आएगा। अब शेषफल कैसे निकालते हैं, ये जो एक्स का वैल्यू 2 हम लोग निकाले हैं ना, उस एक्स के वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए और जीरो के बराबर कर दीजिए, बस इतना सा काम है आपका। ठीक है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है, उस एक्स के वैल्यू को इसमें रखना है और जीरो के बराबर कर देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3gx और माइनस का 2g और इसको हम लोग कर देंगे जीरो के बराबर, बशर्ते यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 रखिए तो 2 रहेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर 2 रखिए x का तो 3 दूना ये हो जाएगा 6g और माइनस 2g हो जाएगा, ये है ना इक्वल टू इधर हो गया 0। अब यहाँ से देखिए 6g माइनस 2g ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4g हो जाएगा, है ना, और ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 कटेगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दोस्तों सरल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका हम आपको बताएं, जब भी ऐसा सवाल दे तो यहाँ पर जो भी गुणक दिया हो पहले उसका जीरो निकाल लीजिए, यानी वहाँ से उसका एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, उस एक्स के वैल्यू को जो भी एक्सप्रेशन दिया है वहाँ पर पुट करिए और जीरो के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसी बात पे लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत ही शानदार सवाल हम करवा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो आगे भी देखिएगा, आगे भी ऐसे ही सवाल करवाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, चलिए देखिएगा, अब एक सवाल हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं, ये गुणनखंड वाला सवाल है, आसानी से हो जाएगा। क्या है, 9x² माइनस 24xy प्लस 16y² और अपॉन में 3x माइनस 4y, इसका वैल्यू आपको बताना है। देखिए साथियों, आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, ये नहीं कि भाग देने लग जाओ तो उसमें आपका पूरा समय गुजर जाए। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले को एक्सप्रेशन को देख कर क्या आपको नहीं लग रहा है कि किसी का होल स्क्वायर है, लग रहा है कि नहीं। अगर हम इसको देखें 9x² को, तो क्या ये 3x का होल स्क्वायर है कि नहीं, है ना भाई, 3 का स्क्वायर 9x² x² हो गया माइनस, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंज करिए, अभी इसको रहने दीजिए, हम लास्ट वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। लास्ट में हमारा क्या है, यहाँ पर 16y², तो क्या हम इसको 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जो बीच वाला है, एक सर्वसमिका आपको याद होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी
और प्लस बी का स्क्वायर यही ना होता है, और जो ये एक्सप्रेशन है वो कुछ इसी टाइप से हमारा बनने वाला है ना। अब बीच में हमको चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पर 24 से हम लोग पहले दो अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा दो हमारा अलग। ए का मतलब क्या, यहाँ पर 3x, तो क्या ये 3x, और इंटू बी का मतलब 4y, तो ये हो जाएगा 4y। क्या ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 24xy आएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24xy आ गया कि नहीं आ गया। यानी इस 24xy को हम लोग तीन भागों में तोड़ दिए, 2 इंटू ए इंटू बी। तो ऊपर वाला हमारा क्या बन गया, 3x तो हमारा a के बराबर है और जो 4y है वो b के बराबर है, तो ये हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ये जो ऊपर वाला बना है ना, मतलब ऊपर वाला जो है वो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है दोस्तों, है ना। और नीचे में हमारा 3x माइनस 4y है ही, 3x माइनस 4y। तो ऊपर से एक 3x माइनस 4y और नीचे से एक 3x माइनस 4y कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, सिर्फ और सिर्फ 3x माइनस 4y, ये चीज़ हमारा बचेगा और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को भाग मत करने लग जाइएगा कि आपको यहाँ पर बहुपद का भाग करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे एक्सप्रेशंस पर, तो आपका आसानी से बन जाएगा, है ना। किसी न किसी सर्वसमिका पर ही आधारित होता है ये, जैसे ये a माइनस b के होल स्क्वायर पर आधारित था, यहाँ से आसानी से बन गया, है ना। चलिए, तो आज के क्लास में दोस्तों ज़रूर है कि आपको मज़ा आया होगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। डेली ऐसे वीडियोस आती रहती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा देने वाला है। डेली वीडियोज़ देखिए और अपने मैथ्स को मजबूत करिए आप। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।